अगर मुझे देरी हुई तो डैड फिर से मुझ पे चिल्लाएंगे। क्या तुम ठीक हो? ओ हाँ, मुझे लगता है मुझे थोड़ी सी मौज आई है। बस ऐसे ही रहो। अब खड़े होने की कोशिश करो। मेरे पैर ये दर्द नहीं कर रहे हैं। तब तो अच्छा है। ओह, मैं खुद जूते पहन सकती हूँ। और ये हो गया? तो तुमने क्या किया? ये कोई ट्रिक थी या कोई जादू? बाय। प्लीज जरा रुको। तुम्हारा नाम क्या है? ब्रैडली। ब्रैडली, क्या हम फिर से मिल सकते हैं? मुझे माफ करना। एंजेलिना, मैंने तुमको मना किया था उस आदमी के साथ रहने से। पर क्यों? ब्रैडली बहुत अच्छा लड़का है। तुम चुप रहो। तुम मुझसे दोबारा नहीं मिलोगी। तुम तब तक इस कमरे में रहोगी जब तक मुझे तसल्ली ना हो जाए। ये सब तुम्हारे भले के लिए है, और इस पर नजर रखना। समझ गया सर। ब्रैडली। ओह, ये कबाड़ा टीवी। ए, छोड़ दो उसे। तुम पूरे दिन उस टीवी के साथ ही लगी रहती हो। ये सब करने से कोई जीनी नहीं निकलने वाला जो टीवी ठीक कर देगा। बड़ा फाइनल एपिसोड आने वाला है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। पर मैं भी यही चाहता था, क्योंकि ये टीवी मेरी नींद को खराब कर रहा था। जाओ और जाके एक नया टीवी खरीद के लाओ। मेरे पास पैसे नहीं है। तुम अपने सारे पैसे इतने तेजी से कैसे उड़ा सकते हो? वेल, मेरे सारे पैसे उस डेविल वुमन के पास हैं, और ये मेरे लिए छोड़ गए हैं एक कंजूस एजेंट। क्या मजाक है। hey, तुम किस कंजूस की बात कर रहे हो? क्या तुम फिर से ऐसा काम लाए हो जिसके मुझे पैसे नहीं मिलने वाले? नहीं, मैं सिर्फ उन जॉब्स की ऑफर लाता हूँ जिनसे पैसा मिलता हो, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि वो काम सही किया गया हो। हे मिस्टर मॉरिसन, क्या आप टीवी ठीक कर सकते हैं? क्या टीवी टूट गया है? और आज बोलेरो इन स्प्रिंग की लास्ट एपिसोड आने वाला है। हे मॉरिसन, क्या तुम कार लाए हो? हाँ।
मैं ये काम करूंगा अगर तुम मुझे रास्ते में सोने देते हो तो। मैं उस बेकार टीवी की वजह से सो नहीं पाया सही से। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चलो, मुझे परवाह नहीं उस बेकार टीवी की, जब तक उसकी आवाज मेरे कानों तक ना पहुंचे। आपका दिन अच्छा हो मिस। आप टीवी को ठीक किए बिना नहीं जा सकते मिस। आप एक नया टीवी ले सकती है दंते के पैसों से जो उसको इस काम के बाद मिलेंगे। मॉरिसन रुकिए, उतना वक्त नहीं बचा बोले रुइन स्प्रिंग के लास्ट एपिसोड में। मॉरिसन रुकिए। रुको गधो सुनो। मैम, आपका डिनर तैयार है। मुझे भूख नहीं लगी। प्लीज मैम, अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो आपके डैड मुझ पे नाराज होंगे। वोहो, ये कितना शानदार पैड है। आखिर वो काम क्या करता है कि उसके पास इतनी कीमती कीमती चीजें हैं? वो कैपुलेट सिटी का मेयर है। हेलो, माफ कीजिएगा, मुझे जरा देर हो गई। वो मीटिंग मैंने जैसे सोचा था उससे काफी देर तक चली। और आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मैं माइक हैजन। मैं मॉरिसन। आपसे मिलकर अच्छा लगा। ऐसी बकवास की फॉर्मेलिटीज को रहने देते हैं, पहले काम की बात करते हैं इससे पहले कि मुझे नींद आ जाए। क्या? मेरा यकीन करो, ये बड़ा ही कमाल का बंदा है, भले ही जुबान इसकी थोड़ी तीखी है। मैं इसे मारना चाहता हूँ। प्लीज तुम इसे मार दो। मेरे पास मेरी इकलौती बेटी है, उसका नाम एंजेलिना है। मेरी पत्नी को मरे हुए काफ़ी समय हो चुका है और तब से मैंने अपनी प्यारी सी बेटी का ख्याल बड़े ही प्यार से रखा है। मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ है और ये बेहुदा आदमी ब्रैड मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाना चाहता है, इस शहर से दूर ले जाना चाहता है। मैं बस इस बेकार की वजह से अपनी बेटी को उसके साथ जाने नहीं दे सकता कि मेरी बेटी उसे पसंद करती है। तो इसीलिए तुम मुझे उसे मारने के लिए कह रहे हो? वेल, तो इस पर एक अच्छी सी कहानी बन सकती है। इस पर एक टीवी शो भी बनना चाहिए जो लोगों को काफी पसंद भी आएगा। मैम। जी मिस। कम से कम मैं वॉशरूम तो अकेले जा सकती हूँ। क्या तुम्हें पता है कैपुलेट सिटी में कुछ खूनी हथियार खुलेआम घूम रहे हैं और ये आजकल न्यूज में बहुत छाया हुआ है। मेरा टीवी टूट गया है, तुम्हें याद है ना? अरे हाँ, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ ये घटनाएं किसी स्तर पर हुई हैं। ये है, ये हथियारें इतनी खौफनाक हैं कि लोग कह रहे हैं कि ये हथियार इंसान नहीं है। इंसान नहीं है? ये भयानक हमले उस समय से हो रहे हैं जब से वो लड़का ब्रैड दिखाई दिया इस शहर में। ओ, तो तुम्हें लगता है कि वो ब्रैड सिर्फ एक खूनी ही नहीं है बल्कि एक डेविल भी है और खतरनाक है बहुत? ये नहीं हो सकता, मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझे कोई शक नहीं, वो एक डेविल है। आपको अपनी गली पर नजर रखनी चाहिए, क्या आपको नहीं लगता? प्लीज उस लड़के ब्रैड को मार दो। ब्रैडली, ब्रैडली, चलो हम दोनों यहाँ से कहीं भाग चले। तुम्हें अचानक से क्या हो गया? पहले अपने आप को संभालो और फिर बताओ क्या बात है। मुझे लगता है कि मेरे डैड ने किसी को काम पे रखा है तुम्हें मारने के लिए। मुझे मारने के लिए? पर ऐसा क्यों? वो मुझे क्यों मारना चाहेंगे?
तुम्हारी स्ट्रेंज पावर की वजह से मेरे फादर को लगता है कि तुम एक डेविल हो। अच्छा, तो ये बात है। चलो हम कहीं दूर भाग चले। मेरी प्यारी एंजेलिना, मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुमको इस परेशानी में नहीं डाल सकता। पर मैं... मेरी परवाह मत करो एंजेलिना, मैं एक दिन सब ठीक कर दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। एक दिन तुम्हारे फादर भी हमारे प्यार को समझेंगे। लेकिन अब तुम घर जाओ, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें कम से कम देख तो सकता हूँ। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। मेरे लिए एक बियर, एक पिज्जा, चाहे किसी भी तरह का हो, पर बिना ऑलिव्स के। मेरी चिंता मत करो, तुम अपनी बुक पढ़ लो। ओह हाँ, शुक्रिया। क्या तुम्हें अंजलिना नहीं मिली? जब तक वो तुम्हें मिल नहीं जाती, तब तक यहाँ वापस आने की सोचना भी मत। क्या वो फिर से उस लड़के के साथ मिलने गई है? मैं माफी चाहता हूँ सर, ये सब कुछ इसलिए हुआ सर क्योंकि मेरी आंख लग गई थी। डैड, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? अब से तुम्हारा खाना पीना तुम्हारे कमरे में आएगा और तुम जहां भी जाओगी हमारी नजर तुम पर रहेगी। ब्रैडली, वेल, ये किस तरह की बुक है? ये एक रोमांस नोवेल है। क्या ये अच्छी है? हाँ, ये बहुत अच्छी है। एक इंसान जो कि इससे प्यार करता है, उसके लिए एक प्यारी चीज है। सच्चा प्यार एक अनोखा एहसास है। क्या वो तुम्हें अजीब लगता है? नहीं सर, आपकी बियर। वेल, सिर्फ एक बियर लाने के लिए तुम्हें इतना टाइम कैसे लगा? और मेरा पिज्जा कहाँ है? वो अभी तैयार हो रहा है सर। शिट। चीयर्स। ओ हाँ, चीयर्स। वैसे तुम यहाँ के रहने वाले नहीं लगते, तुम कहाँ से हो? वेल, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। वेल, मुझे जाना होगा। ये रहा आपका पिज्जा सर। हे, क्या ये ऑलिव्स हैं? हाँ, ये ऑलिव्स हैं सर। छह, डैम इट। कह रहे थे गेट आज रात खुलेगा। ये अभी होगा? लेकिन इंसानी दुनिया को छोड़ने के लिए ये एक शर्म की बात है। तो वो तुम ही थे उन हत्याओं के पीछे के असली जिम्मेदार? मुझे यहाँ रहने वालों का खून बहुत अच्छा लगता है। कौन है वहाँ? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? 5 मिनट में लास्ट पिज्जा खाना, ये नया रिकॉर्ड है मेरा। तुम मेरे साथ पंगा मत लो। ओह वाह, क्या हैंडशेक है। तुम उतने ही ताकतवर हो जितना मैंने सुना था। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। मैं इस इंसानों दुनिया में 1 महीने से रह रहा हूँ। मैंने कुछ बातें सुनी थी द डेविल हंटर ग्रंथी के बारे में। तो मुझे लगता है कि मैं ये कह सकता हूँ कि तुम इंसान नहीं हो, है ना? हाँ ठीक है, फिर तो मुझे लगता है कि तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं, मैं तुमसे बचने के बारे में नहीं सोच रहा, लेकिन एक बात है
जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो क्या है? मैंने सुना है तुम एक खौफ ब्रीड हो, एक इंसान और डेविल के मिलन से पैदा हुआ। अगर ऐसा है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो, तुम्हारी माँ और पिता भी प्यार में थे, वो इंसान और डेविल के बीच का प्यार था? हमेशा शादीशुदा लोगों की ऐसी कहानियाँ सुनाई देती हैं जो एक दूसरे के लिए होते हैं लेकिन जिनके दिल बाकियों की तरह ठंडे होते हैं। ऐसा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कई सारे कपल्स ऐसे होते हैं जिनकी दिल की गहराई के अंदर बहुत ज्यादा प्यार होता है। सच में तुम बस इतना ही कहना चाहते थे? हाँ। मुझे लगा था कि तुम मुझे चकमा देकर मुझ पर हमला करोगे। नहीं, मुझे पता था कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। तुम एक डेविल होते हुए भी बहुत कमजोर लगते हो। हाँ, मैंने सोचा कि मैं एक डेविल हूँ, पर तुमसे लड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। वैसे भी मेरा काम खत्म हो गया है और मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और आज रात मेरा मास्टर डीमन वर्ल्ड से इस दुनिया में आएगा। एक आदमी ने मुझे यहाँ उसकी तैयारी के लिए बुलाया था और मेरा काम यहाँ पूरा हो गया है और मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। तो तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सब तुम खत्म कर दो। मेरा मास्टर वो खतरनाक है, मुझे पूरा यकीन है कि वो इस शहर को हासिल करने की कोशिश करेगा। कैफे की वो लाजवाब कॉफी और पहाड़ों से डूबते हुए सूरज का वो खूबसूरत नजारा, वो सब कुछ मैं एक पल में खो दूंगा। और एंजेलिना भी? मुझे क्या करना चाहिए, मैं उससे खोना नहीं चाहता। वो मेरे साथ हमेशा प्यार से पेश आई, मेरे साथ हमेशा उस डीमन वर्ल्ड में जाती किया गया, लेकिन वो मुझे देखकर हमेशा मुस्कुराया करती थी और मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता कि उसके साथ क्या होगा। पर मैं एक डेविल हूँ, मेरे पास मेरे मास्टर से लड़ने की पावर नहीं है। सच में तुम अच्छे हो एक डेविल होते हुए भी, लेकिन अगर तुम एंजेलिना से इतना प्यार करने के काबिल हो तो इंसान की तरह जीने के भी काबिल हो तुम। एक इंसान की तरह? मैं? मुझे वहां ले चलो, उस गेट की तरफ जो शैतानी दुनिया से जुड़ा हुआ है। डैड, डैड, क्या हुआ? डैड, हिलना मत। अगर तुम एक अच्छी लड़की की तरह अपने कमरे में रहती तो बिना महसूस किए मर सकती थी। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जल्दी ही हम एक शक्तिशाली शैतान को इस रसम के द्वारा बुलाएंगे, यह सब उसी की तैयारी है। एक साथ हम इस दुनिया को तबाह कर देंगे। माफ करना, मुझे लगता है कि मैंने दरवाजा तोड़ दिया। मुझे उस समय तुम्हारे बारे में बहुत बुरा लग रहा था जब तुम मेयर के साथ थे। तुम लेट हो। एंथेलिना। ब्रैडली। सर, यहाँ से उठिए। ब्रैडली, क्या तुम अल्फा गॉड को धोखा देना चाहते हो? तुम सबको पहले ही बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, तुम लेट हो। मुझे यकीन है कि ये एक लंबा और मुश्किल सफर होगा तुम्हारे लिए। Oh!
तुम लोगों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं। माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी सही जगह भेजने वाला हूँ। एंजेलिना। डैड। ये कौन है? डैड, अभी मत बोलिए डैड। ब्रैडली, प्लीज। ठीक है, पर मैंने इससे पहले इतने गहरे चोटों पर कोशिश नहीं की है, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो शैतान? तुम क्या सोचते हो मेरे लिए ऐसा करके मैं तुम्हें अपनी बेटी के साथ रहने की इजाजत दे दूंगा? डैड, आप चिंता मत करिए, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एंजेलिना को उदास नहीं देखना चाहता। मिस्टर मेयर, माफ करना मुझे, पर मैं आपका ये काम नहीं कर सकता। ब्रैडली प्यार को समझता है, वो ये सब इंसान के रूप में ठीक कर देगा। और बस एक काम है जो मैं कर सकता हूँ, वो है डेविल को मारना और उनको उनकी सही जगह दिखाना। हे मिस्टर मॉरिसन, क्या आपने अभी तक इसे ठीक नहीं किया? हाँ हाँ, कर रहा हूँ मैं। मुझे और कितना वेट करना होगा? बस थोड़ी देर और। ठीक है मिस। वैसे दांते, ये एक अच्छी कहानी है कि कैसे उन दोनों को उस लड़की के फादर की मंजूरी मिल गई। लेकिन मुझे नहीं पता तुम पर पैसे के बारे में सोचकर क्या बीत रही होगी, लेकिन मुझे इस टीवी को ठीक करने का पैसा तो मिलना ही चाहिए। बातें बंद करो और इसे जल्दी से ठीक करो। दोपहर को मेरा ओपेरा शो शुरू होने वाला है। हाँ मैम। आपने इसे ठीक कर दिया? मैं अपना रिपेयरिंग फीस तुम्हारी अगली पेमेंट में से काट लूंगा। जो भी हो। बड़े ही अफसोस की बात है, इस तरह तुम अपना कर्ज कभी नहीं चुका सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे जॉब्स लाता हूँ। पर तुम खुश लग रहे हो दांते, लेकिन तुम कुछ नहीं करते। तुम हमेशा शिकायत करते हो जब तुम्हें तुम्हारा पैसा नहीं मिलता। अब हर दिन वहाँ इसी तरह खुशी के होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वो दोनों खुश होंगे, है ना?